हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको आंवला जूस की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए देख लीजिए। आंवले का जूस बनाने के लिए ये मैंने 5 आंवले लिए हैं। इसको हम धो के साफ करके इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के तैयार रख लेते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और ये हमारे लिए बहुत ही वरदान है नेचर का। इसको हम किसी भी तरीके में खाना चाहिए आंवले को। आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का कैंडी खा सकते हैं, आंवले का अचार बना के खाइए। आप सूखा खाएं, गीला खाएं, जैसा भी खाएं, लेकिन आंवला खाएं। अपने डेली जो डाइट है उसमें ज़रूर इसको शामिल कीजिए। ये हमारे लीवर फंक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे बॉडी के सारी टॉक्सिन्स को निकालता है। इसमें आयरन है भरपूर मात्रा में, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और इसलिए इसका जूस हमारे लिए कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। इसका जूस पानी में मिक्स करके गार्गल करने से जो हमारे मुंह में अल्सर आ जाते हैं ना, उससे ये ठीक हो जाते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो आंवले का जूस डेली खाली पेट में पीता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी बहुत स्ट्रेंथ करता है। बालों के लिए तो ये बहुत ही वरदान है हमारे लिए। इसका पाउडर हम बालों में यूज़ कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, इसका जूस बालों में भी लगा सकते हैं। विटामिन जो मिनरल्स इसमें है बहुत ही फायदेमंद है हमारे बॉडी के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए। तो टोटल मिला के आंवला एक बहुत ही सुपर फूड है हमारे बॉडी के लिए, जिसका हमको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अभी इसका जूस हम बनाते हैं। सबसे पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े कट करके रख लेते हैं। ये देखिए, आंवलों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है और इसका गुठली मैंने निकाल दी है। अभी एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें आधा आंवला डालेंगे और फिर पीसेंगे, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पीसेंगे। जितना हमको उसको पीसने के लिए पानी लगता है उतना ही पानी हम यूज़ करेंगे, और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। जार लिया है मैंने और इसमें मैं पहले आधा आंवले के पीसेस डाल दूँगी, और इसको हम एकदम थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने 10 से 15 सेकंड के लिए इसको ग्राइंड किया है, और इसमें अभी मैंने कोई भी पानी नहीं ऐड किया है। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे पीस के। ये देखिए, इसमें मैंने खाली 3 से 4 टी स्पून पानी ऐड किया है और एकदम बारीक पीस लिया है इसको। अभी इसको छान लेते हैं। तो मैंने एक छन्नी ले ली है और नीचे कांच का ग्लास रख लिया है। आंवले का कुछ भी आप काम करने का टाइम में प्लास्टिक का या कांच का बर्तन ही यूज़ करें। अभी थोड़ा थोड़ा पल्प हम इसमें डालते जाएंगे, प्रेस करके करके इसका जूस हम ऐसा सारा निकाल लेंगे। अच्छे से प्रेस करके इसका सारा जूस हम निकाल लेंगे। ये देखिए, जूस निकालने के बाद में ये सूखा पाउडर जैसा दिखेगा। इसका हमने पूरा जूस निकाल दिया है। इसी तरीके से सारा जो आंवला हमने पीस के रखा है उसका जूस हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा आंवले का जूस निकाल दिया है। ये मेरे को 200 ml के आसपास जूस निकला है। अब ये जूस कॉन्सेंट्रेट है, हम इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं पियेंगे। इसको पीने के लिए हम खाली 1/4 ग्लास में जूस लेंगे, 1/4 ग्लास जूस लेंगे, और उसमें बाकी का पानी ऐड करके उसको डाइल्यूट करके पियेंगे। और जो जूस हम बनाएंगे 1/4 ग्लास जूस और बाकी का पानी ऐड करके,
वो जूस हमको सवेरे सवेरे खाली पेट में पीना है तो हमको बहुत फायदेमंद है ये जूस। और अगर आपको कोल्ड एंड कफ हुआ है तो आप इसमें 2 चम्मच कॉन्सेंट्रेट आंवले का जूस और उसमें 2 चम्मच हनी मिक्स करके पी लीजिए। इससे आपको कफ एंड कोल्ड में बहुत आराम पड़ेगा। ऐसा आप दिन में 3-4 बार कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड आंवले का जूस आप इसको प्लास्टिक का बॉटल में नहीं तो कांच का बॉटल में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा कलर इसका चेंज होगा लेकिन ख़राब नहीं होगा, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डेली जूस बना के फ्रेश कंज्यूम करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप फ्रिज में भी रख के इसको 10 से 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जूस आप ज़रूर बनाइए और डेली डाइट में आपका ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत इजी भी है जूस बनाने के लिए और बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आंवले के जूस की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।